हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन। तो इसमें आप क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि इनमें से आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स कुछ आपके सामने एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तो आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए कुछ थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक्सप्रेशन आपको भी दे रखा है, तो उसमें हम लोग कैसे पहचाने कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें वेरिएबल टर्म्स पे फोकस करना होता है, कॉन्स्टेंट टर्म से हमें इतना मतलब नहीं होता, हमें वेरिएबल टर्म से मतलब होता है। वेरिएबल टर्म जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब अल्फ़ाबेट्स हमारे वेरिएबल टर्म्स में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका वेरिएबल टर्म अंडर रूट में नहीं आना चाहिए, साथ में आपका वेरिएबल टर्म अपॉन में नहीं होना चाहिए। अपॉन में इन द सेंस वन अपॉन एक्स, मतलब डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। साथ में इसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जैसे माइनस वन माइनस टू इस तरह से करके नहीं होनी चाहिए। और साथ में आपकी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे वन अपॉन टू थ्री अपॉन टू, मतलब ये चार कंडीशंस आपकी नहीं होनी चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा। मैं यहाँ क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये नहीं होना चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये चार में से कोई एक चीज़ भी आ गई तो वो आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में से इस पर बार बार देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। मैं पहले फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ। फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल हमारे ये है x और ये एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इनमें कोई भी वेरिएबल इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, सिंपली मैं लिख दूंगा। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। आगे बढ़े तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन हो जाता है उन लोगों को कि यहाँ पे टू पे अंडर रूट का आ रखा है, तो वो लोग बोलते हैं कि इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करता है। यहाँ पे वेरिएबल पे पावर टू है, मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंट पे हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल पे अंडर रूट नहीं है, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें आप लिख दीजिए यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। थर्ड पे आए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पे आठ पे आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल टर्म हमारे पास टी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि टी पे ये अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, और वही मैंने आपको बताया था। आप राइट साइड में देख सकते हैं कि पावर ये वेरिएबल टर्म पे अंडर रूट का साइन नहीं आना चाहिए। अगर उस किसी भी एक्सप्रेशन में अंडर रूट का साइन आ गया किसी वेरिएबल पर, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये हम लोग इसको नो कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड फोर्थ पार्ट पे आते हैं, y + 2/y। यहाँ पे आपके वेरिएबल टर्म्स ये y और y, तो लेकिन इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि आपका ये जो सेकंड y जो है ये आपके 2/, मतलब ये डेनोमिनेटर में आ रहा है। आपने स्क्रीन राइट साइड पे देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि डेनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए कभी भी वेरिएबल टर्म। 1/x हो या 1/y, 2/y, 3/z, इस तरह से वेरिएबल टर्म्स कभी डेनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे भी नो हो जाता है। लास्ट पार्ट पे आते हैं हमारा, x³ + y³ + t⁵। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों ही वेरिएबल टर्म है, और साथ में इन तीनों में से कोई भी वेरिएबल टर्म यहाँ के किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे सिंपली एक पावर्स दे रखी है, ना तो इनमें कोई वेरिएबल टर्म अंडर रूट में आ रहा है, ना डेनोमिनेटर में आ रहा है, ना किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, और ना ही फ्रैक्शन है पावर, तो इसलिए ये यहाँ पे पॉलिनोमियल बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और फर्स्ट के फिफ्थ पांचों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। तो बस आपको इसमें यही चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल की कंडीशंस देखनी है, ये आपकी नहीं आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं,
इसमें आपके फोर पार्ट्स हैं, हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट बताने हैं। कोफिशियंट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, कोफिशियंट आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं। कोफिशियंट का मतलब होता है कि वेरिएबल टर्म के आगे कोई अगर कॉन्स्टेंट नंबर, मतलब कोई नंबर आपके लगा हुआ है, कोई उसके साथ है, तो उस टर्म को हम लोग कोफिशियंट कहते हैं। आप जैसे कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ 2x, आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड में देख सकते हैं, मैं यहाँ 2x लिख दूँ तो x का कोफिशियंट हमारा 2 होगा। इसके आगे जो भी नंबर होगा, अगर सिंपली x होगा तो इसके आगे 1 लगा होगा, अगर लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका कोफिशियंट हमारा 1 हो जाएगा। तो इसलिए सिंपली हम लोग ये सारे एक्सप्रेशन में देखेंगे और चेक करेंगे। सबसे पहले 2 + x² + x, हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो हम लोग सिर्फ एक्स स्क्वायर पर फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर प्लस 1 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोफिशियंट अभी हो जाएगा 1। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़े तो सेकेंड पार्ट है हमारा यहाँ पे 2 - x² + x³। हमसे कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, तो मैं एक्स स्क्वायर पर फोकस करूंगा। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर 1 लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था। लेकिन इस बार उसका कोफिशियंट बन जाएगा -1। आपको साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस 1 था तो इसलिए प्लस 1 लगाया, और यहाँ -1 है तो इसलिए -1 लगाया है। साइन का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्ट पे आए, हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, π/2 x² + x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे जो भी आपको टर्म दिख रहा है, मुझे यहाँ पे π/2 दिख रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हम लोग π/2 के यहाँ पे कोफिशियंट कह देंगे। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर पर फोकस करना है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्स का कोफिशियंट, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं एक्स पे। चलिए फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा √2x - 1। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स है लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसलिए इसका कोफिशियंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोफिशियंट 0 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को कुछ वर्ड्स को आपको पहले समझना होगा। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं बायनोमियल, मोनोमियल और डिग्री के बारे में। इसके बारे में, इन वर्ड्स के बारे में पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं। बायनोमियल आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड भी देख सकते हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है। बायनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म। अब आपको मैं टर्म्स और ये सिंगल टर्म टू टर्म्स इनका पहले मैं मतलब थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मोनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिंगल टर्म की बात हुई है। सिंगल टर्म का मतलब जैसे कोई एक सिंगल टर्म 1, 2, 3, जैसे अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूँ 1 - 19, या अगर मैं उसमें वेरिएबल भी जोड़ दूँ जैसे 2x, 3x, 1/x, इस तरह से करके जोड़ दूँ। खैर ये तो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, तो इस तरह से हम लोग इसको लगाएंगे तो ये सिंगल टर्म्स होंगी। यहाँ पे सिंगल सिंगल हमारे आ रहे हैं, आप इसमें कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई में भी लगा के लिख सकते हैं। अगर मैं बायनोमियल की बात करूँ, बायनोमियल में मतलब टू टर्म्स, जैसे कि अगर मैं दो टर्म्स को जोड़ दूँ, जैसे मैं लिख दूँ 2x + 1, और क्या लिख सकता हूँ मैं -3x - 19, इस तरह से करके मैं इन सब कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपकी एक सिंगल टर्म ये और एक ये टर्म, तो दो मिल गई तो इसलिए हो गए टू टर्म्स, तो इसलिए हम लोग बायनोमियल कहते हैं। ये भी यहाँ पे टू टर्म्स, ये भी टू टर्म्स, तो इसलिए बायनोमियल होती हैं। और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे आपके पास कुछ टर्म्स दे रखी है, जैसे आपको अगर मैं सिंपली लिख लूँ x² + 12x, एक कॉन्स्टेंट टर्म 35 दे रखी हो, तो आपको देखना है इसमें जो वेरिएबल पार्ट है, जैसे वेरिएबल x और x है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हाईएस्ट पावर आप देखेंगे स्क्वायर, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसलिए डिग्री को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये थ्री वर्ड्स का मीनिंग इसमें क्वेश्चन में पहले क्लियर होना ज़्यादा जरूरी था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि हमें एग्जाम्पल देना है बायनोमियल और मोनोमियल का। बायनोमियल में हमारी डिग्री 35 होनी चाहिए, मोनोमियल में हमारी डिग्री 100 होनी चाहिए। मैं इसका सिंपल से एग्जाम्पल ले सकता हूँ। बायनोमियल की बात हुई तो दो टर्म होने चाहिए, तो मैं इसको अपनी तरफ से ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ
2y और डिग्री हमारी होनी चाहिए 35। लेकिन अभी सिंगल टर्म है तो यहाँ पे मैं कुछ जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से, एक और कुछ 35 जोड़ देता हूँ, तो ये हमारा एक बायनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और मोनोमियल की बात की जाए तो मोनोमियल में सिंगल टर्म होनी चाहिए। मैं एक्स की पावर 100 लिख दूँ तो एक सिंगल टर्म है और एक मोनोमियल भी है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो इस तरह से हम लोग इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर होगा हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, आपको इनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल टर्म्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर है। तो चलिए हम लोग फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में बढ़े। तो हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इनमें हाईएस्ट पावर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर ये पावर 1 है तो ये हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसकी डिग्री हो गई 3। इस तरह से हम हाईएस्ट पावर को बस देख के हमें लिखना ही है। अब मैं अगर सेकंड पार्ट में उड़ूँ तो सेकंड पार्ट में 4 - y², यहाँ पे सिंगल एक ही वेरिएबल टर्म है तो हाईएस्ट पावर का इतना कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2। यहाँ पे पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर भी इसकी 2 हो जाएगी। थर्ड पार्ट में बढ़े, थर्ड पार्ट है हमारा 5t - √7। 5t - √7 यहाँ पे हमारा वेरिएबल टर्म है टी, तो टी और यहाँ पे हाईएस्ट पावर, जब कोई पावर नहीं होती तो उसे हम लोग 1 मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो इसलिए हाईएस्ट पावर इसकी हो जाएगी 1। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमें सिर्फ 3 लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ हम सब जानते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 100, 500 जितने भी ये सब नंबर्स होते हैं ये सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं। वेरिएबल टर्म्स हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन ये जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं सारे इंग्लिश के टर्म ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई अगर एलजेब्रिक यानी कि आपका कोई वेरिएबल टर्म नहीं है तो इसलिए इसकी यहाँ पे कोई डिग्री होगी नहीं, तो हम लोग सिंपली 0 लिख देंगे। तो आई होप आपके फोर्थ पार्ट क्लियर हो गए होंगे आज के। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें ये 7 स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, हमें इनमें से बताना है कि इनमें कौन सा लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लोग इन 3 वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में। आप अपने स्क्रीन के राइट साइड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इनके मीनिंग लिखे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उसमें हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक का मतलब होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग वेरिएबल की बात कर रहे हैं। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स में सबसे ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी वेरिएबल टर्म्स को देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी कोई भी एक्सरसाइज आएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है, कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग बिल्कुल देखते ही नहीं है पॉलिनोमियल्स में। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है x² + x। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं कि मैंने लिखा था क्वाड्रेटिक में पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x पे कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे 1 होगी, तो ये 1 है और ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए बन जाएगा। सेकेंड पार्ट में बढ़े, तो सेकेंड पार्ट है हमारा x की पावर -x³। तो यहाँ पे ये पावर ऑब्वियस सी बात है 1 होगी जब कोई पावर नहीं है, और पावर 3 है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है y + y² + 4। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक, तो ये हमारे बन जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में की तरफ पढ़े, तो ये हमारा 1 + x। x मतलब x पे पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं होती तो उसे हम लोग 1 बना देते हैं, x पे पावर 1 है तो x पे पावर 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के राइट साइड में मैंने लिखा था जब पावर 1 होती है हाईएस्ट पावर तो उसे हम लीनियर कहते हैं,
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लीनियर, चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है 3t, 3t यहाँ पे हमारे पास सिंगल टर्म है और साथ में पावर कुछ नहीं, तो ये सिंपली 1 होगा और 1 पावर होने पे ये हमारा लीनियर बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का 6th पार्ट है r square, यहाँ पे एक ही वेरिएबल टर्म है और उस पर पावर 2 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ ये क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 5th का 7th पार्ट है 7x क्यूब, मतलब कि यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो इसे हम लोग क्यूबिक लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्यूबिक है। तो इस तरह से हमारे ये पूरी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे हमारी फिनिश होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।